हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल स्टूडियो। में आपको स्कैनिंग प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना 459 के, ठीक है। तो 459 को यहाँ पे लिखें, लास्ट डेट चेक करें, 9 है, इवन नहीं है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए साइड डिजिट्स प्लस करें। प्लस करके तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस करें। 4 प्लस 5 प्लस 9, इनको प्लस करें क्या आ जाएगा, 5 4 9, 9 में 9 प्लस करें 18, तो 3 के टेबल में 18 आता है। यस आता है, 6 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, हमने साइड डिजिट प्लस किए, 18 आ गए। 3 के टेबल में जब 18 आता है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा क्या आता है, 3 आता है, तो हमने इसे कट करके 3 लिख लिया। 4, 3 के टेबल में 3 आता है 1, ये 4 था, जब कट होकर 3 बना तो इसका 1 इधर चला गया, बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया 5, 3 के टेबल में 9 आ गया 3। अब देखिए 153, हम दोबारा यहाँ पे 3 ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए फिर से डिजिट्स प्लस करें। 1 में 5 प्लस करें 6, 6 में 3 प्लस करें 9, तो 3 के टेबल में 9 आ जाता है, इसका क्या मतलब, पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5, 3 के टेबल में 3 आता है 1, 51 आ गया। फिर से सारे डिजिट्स प्लस करें, 5 में 1 प्लस करें 6 आता है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, इसका क्या मतलब है, ये 3 से नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है, 3 आता है, हमने इसे कट करके 3 बना लिया। 3 के टेबल में 3 आता है 1, ये 5 था, जब कट होकर 3 बना तो इसका 2 इधर चला गया, बन गया 21। 3 के टेबल में 21 आ गया 7, अब ये 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब भी अपने टेबल में आता, किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम यहाँ पे 17 ही ले लेंगे। 17 आ गया, प्राइम फैक्टर 459 के ही आ गए। 3 × 3 × 3 × 17, तो इस तरह प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो गए 459 के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।